तो दोस्तों आज के सबसे पहले अपडेट है सुपरस्टार अक्षय कुमार के मच अवेटेड फिल्म बेल बॉटम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की 2021 में सबसे पहली फिल्म रिलीज होगी सूर्यवंशी, जिसकी रिलीज डेट है 2 अप्रैल। लेकिन दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों ही अक्षय कुमार की एक और फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस हुआ था, जो थे पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान 5 नवंबर यानी कि दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों सूर्यवंशी और पृथ्वीराज चौहान के बाद अक्षय कुमार की एक और फिल्म 2021 में रिलीज की जाएगी, जिस फिल्म का नाम है बेल बॉटम। बेल बॉटम जिसे डायरेक्ट किया है रंजीत तिवारी ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है जेके भगनानी। बेल बॉटम फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिलेगी वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और साथ ही साथ लारा दत्ता। अब आपको बता दें दोस्तों, बेल बॉटम फिल्म की जो नई रिलीज डेट है वो सामने आ चुकी और फिल्म को रिलीज किया जाना है 28 मई 2021 में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार के बेल बॉटम 28 मई 2021 में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कुछ दिनों पहले अफवाह यह आई थी कि अक्षय कुमार के बेल बॉटम फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर रिलीज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों वो खबर पूरी तरह से झूठ निकली और अक्षय कुमार के बेल बॉटम फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में 28 मई को रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों अगर बात करें तेलुगु फिल्म उपेन्ना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों उपेन्ना फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक हफ्ता यानी कि 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म का आज 8वां दिन चल रहा है। बात की जाए फिल्म के शुरुआती एक हफ्ते यानी कि 7 दिनों के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि उपेन्ना फिल्म का बजट लगभग 22 करोड़ रुपये था और इस फिल्म को इंडिया में 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया था और ओवरसीज मार्केट में फिल्म रिलीज हुई थी 200 स्क्रीन पर, यानी कि उपेन्ना फिल्म वर्ल्ड वाइड 1200 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अब अगर बात करें इस फिल्म के पहले हफ्ते के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों उपेन्ना फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन किया है 51 करोड़ 50 लाख रुपए, वही इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 59 करोड़ 80 लाख रुपए रहा है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया के बाहर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों उपेन्ना फिल्म का जो पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 61 करोड़ 30 लाख रुपए। आपको बता दें दोस्तों उपेन्ना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ब्लॉकबस्टर हिट और दूसरे हफ्ते में भी फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो शायद 100 करोड़ रुपए तक जा सकता है। वही दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रवि तेजा के लास्ट मंथ रिलीज हुई फिल्म क्रेक के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताइए। तो दोस्तों रवि तेजा की फिल्म क्रेक, जिसे डायरेक्ट किया था गोपीचंद मालिनेनी ने और इस फिल्म में रवि तेजा के साथ हमें देखने को मिले थे श्रुति हसन। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और यह फिल्म लगभग सभी सिनेमाघरों से उतर चुकी है और फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो भी सामने आ चुका है। आपको बता दें दोस्तों रवि तेजा की क्रेक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है 66 करोड़ 50 लाख रुपए का, जिसमें से दोस्तों फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनका प्रॉफिट रहा है 21 करोड़ 66 लाख रुपए। बता दें दोस्तों क्रेक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट। अब दोस्तों उम्मीद है कि रवि तेजा के अगले फिल्म खिलाड़ी, जो कि शायद 2-3 महीने बाद रिलीज होने वाली है, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट हो जाएगी। वही दोस्तों अब अगर बात करें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से 2021 की पहली बड़ी फिल्म पोगारो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोगारो फिल्म को रिलीज होते ही मॉर्निंग वाले शोज में काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिली है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ओपनिंग ले सकती है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा था उन लोगों को इस फिल्म के बारे में कुछ डिटेल फिर से बता दूं। जी हाँ दोस्तों पोगारू, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं ध्रुवा सरजा और उनके साथ में इस फिल्म में है रश्मिका मंदना। फिल्म का बजट है लगभग 28 करोड़ रुपए और इस फिल्म को कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम 4 भाषाओं में टोटल 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। अब दोस्तों इस फिल्म को रिलीज होते ही मॉर्निंग वाले शोज में तो काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिली थी, लेकिन फिल्म को आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें पोगारू फिल्म को आफ्टरनून के शोज में लगभग 65% की ऑक्यूपेंसी मिली है, वही इवनिंग के शोज में भी फिल्म को लगभग 76% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। तो दोस्तों जिस तरह फिल्म की मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी है उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म पहले दिन मिनिमम 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने वाली है और अगर फिल्म के नाइट वाले शोज हाउसफुल हो गए तो शायद फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। वही दोस्तों अब अगर बात करें विशाल की फिल्म चक
चक्र, जिसे हिंदी डब में चक्र का रक्षक नाम से रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चक्र एक तमिल मूवी है, जिस फिल्म को तमिल के अलावा लगभग टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी ये सभी भाषाएं शामिल है। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है MS आनंदम ने और इस फिल्म में विशाल के साथ हमें नजर आएगी श्रद्धा श्रीनाथ। बता दें दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये है और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अब अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे चक्र फिल्म को हिंदी मार्केट में तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन फिल्म तमिल वर्जन में काफी बढ़िया कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 15% की ऑक्यूपेंसी मिली थी, वही आफ्टरनून वाले शोज में 17% की और फिल्म को इवनिंग वाले शोज में 21 से 22% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। तो दोस्तों जिस तरह इस फिल्म की पहले दिन की ऑक्यूपेंसी है सभी भाषाओं में, उसे देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा टोटल 5 भाषाओं में पहले दिन 6 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन कर रही है। हालांकि दोस्तों फिल्म के जो एक्चुअल कलेक्शन है वो तो हमें कल पता चलेंगे, लेकिन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन यही आ रहे हैं कि फिल्म पहले दिन लगभग 6 करोड़ की कमाई कर सकती है।